नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के लिए घर परिवार पति की आयु उन्नति से बढ़के कुछ भी नहीं होता। इसके लिए हमारे हिंदू समाज में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, धर्म का पालन करती हैं, ताकि वो सदा सुहागन रहें, उनकी पति की उन्नति हो, आयु बढ़े, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़े और शादीशुदा स्त्री से उसके पूरे घर परिवार का सुख सौभाग्य जुड़ जाता है, घर की उन्नति जुड़ जाती है, खासकर उसके पति की उन्नति जुड़ जाती है। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को गृह लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि महिलाओं के आचरण से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा होता है। दोस्तों, यही कारण है कि किसी भी शादीशुदा स्त्री को, सौभाग्यवती महिला को, किसी के भी साथ, चाहे वो कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, ये पांच चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। उसमें जो पहली चीज है वो है सिंदूरा। दोस्तों, वैसे तो हम अपने जीवन में कई छोटे छोटे सिंदूरे खरीद लेते हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उस सिंदूरा का होता है जो हमें शादी के वक्त रस्मों के साथ दिया जाता है। वही असली सिंदूरा होता है। उसी सिंदूरे से पूजा पाठ के समय पूजा किया जाता है, तीजा के समय, करवा चौथ के समय सिंदूर लगाया जाता है। तो वो ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। उसको रखने के भी कई नियम बताए गए हैं। उसे हमेशा लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, पूजा के स्थल पे पवित्रता पूर्वक रखना चाहिए, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए कि सबकी नजर पड़े। तो इस प्रकार से आपको अपना सिंदूरा रखना है और वो सिंदूरा आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और पूजा के समय जब भी विशेष पूजाएं की जाती हैं, तीजा होता है, तो आप उसमें माँ को चढ़ाई हुई सिंदूर उसमें डालें, उससे स्वयं सिंदूर करें। आप स्वयं उससे किसी और स्त्री को सिंदूर कर सकती हैं, लेकिन कभी भी किसी और स्त्री को सिंदूरा न दें कि वो खुद से उसमें से सिंदूर लगा सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सिंदूरे को रखने के भी बहुत सारे नियम हैं। हमेशा पवित्रता पूर्वक अपने सिंदूरे को रखें। कई जगहों पर विवाह की रस्मों के साथ ही सौभाग्य प्रतीक के रूप में मंगल सूत्र धारण करवाया जाता है। तो वो मंगल सूत्र जो आपने विवाह के रस्मों के साथ अपनी शादी के वक्त धारण किया था, वो उतना ही पवित्र है, उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि सिंदूरा। तो वो भी आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। जो मंगल सूत्र आपने बाद में खरीदा है, आपको पसंद आ गया, आपने उसको एक गहने के तौर पर खरीदा और उसे धारण किया, वो आप किसी के भी साथ शेयर कर सकती हैं। लेकिन वो मंगल सूत्र जो आपको विवाह के रस्मों के साथ आपने धारण किया था, सुहाग के प्रतीक के रूप में पहना था, वो आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, वो है बिछिया। बिछिया भी सिर्फ शादीशुदा स्त्रियां ही पहनती हैं, कुंवारी लड़कियां बिछिया धारण नहीं करती, क्योंकि शादी के वक्त विवाह रस्मों के साथ ही सुहाग प्रतीक के रूप में जो है लड़कियों को बिछिया धारण करवाया जाता है और उसके बाद वो सारी उम्र बिछिया धारण करती हैं। लेकिन बिछिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक ही बिछिया सारी उम्र पहने रहे। इसको समय समय पर हम बदलते रहते हैं, जैसे कि करवा चौथ हुआ, तीजा हुआ, या कोई भी शुभ दिन हुआ, तिथि हुआ, उस समय हम बिछिया को बदल लेते हैं, और जिस कारण हमारे पास बहुत सारा बिछिया इकट्ठा हो जाता है। फिर हम सोचते हैं इसको क्या करें और हम किसी को दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिछिया वो चीज़ है जो आपने स्वयं अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में कभी धारण किया था। अगर आप उसे बदल भी देती हैं तो भी आप अपनी उतारी हुई बिछिया कभी किसी को ना दें। किसी को देना है तो नई बिछिया खरीद के दें, जो आपने कभी नहीं पहनी हो, बिल्कुल नई हो, लेकिन आपने जो अपनी बिछिया बदली है, उतारी है, वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अब चौथी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि किसी भी शादीशुदा महिला को किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो है चूड़ी। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चूड़ी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई घरों में जो है माएँ या सास जो है अपने सोने की चूड़ी अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को दे देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी एक दूसरे को दी जाती है, कंगन एक दूसरे को दिया जाता है, तो फिर ये कैसे संभव है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक कांच की चूड़ी और लाह की चूड़ी को माना गया है। सोने की चूड़ी, मेटल की चूड़ी, कंगन, ये आप किसी के भी साथ शेयर कर सकती हैं, किसी को पहनने के लिए दे सकती हैं, अपनी पहनी हुई किसी को भी दे सकती हैं, लेकिन कांच और लाह की चूड़ी आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, अगर आपने उसको एक बार भी पहन लिया है। बिना पहनी हुई नई चूड़ी आप
किसी को भी दे सकती हैं, उपहार के रूप में दे सकती हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ी अगर लाह की है और कांच की है तो वो आपको कभी भी किसी को नहीं देना है। अब साथ ही दोस्तों, शादी के वक्त आपने जो चूड़ी पहनी थी वो भी आपको कभी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जिस कपड़े को पहन करके, जिस वस्त्र को पहन के आपकी शादी की रस्में हुई हैं, कन्यादान हुआ है, सिंदूरदान हुआ है, उस वस्त्र को पहन के आपका एक संस्कार किया गया है, तो उस वस्त्र को आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहिए। वो आपके सुख सौभाग्य से जुड़ा हुआ है, वो आपको किसी को भी नहीं देना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप दोबारा जब भी चाहें आप उसे पहन सकती हैं, पूजा में पहने, शादियों में पहने, पार्टी में पहने, लेकिन कभी भी किसी और को पहनने के लिए न दे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि सुहाग की सामग्रियों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप नई चीज़ें खरीद के लाए, माँ को अर्पित करें, उसमें से स्वयं इस्तेमाल करें और दान करें, ये बहुत ही शुभ है। कहा जाता है जितना ही आप सुहाग की चीज़ों का दान करते हैं उतना ही सुहाग में वृद्धि होती है। तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर शादीशुदा महिलाओं के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।